एक कॉन्स्पिरेसी वाला वीडियो चल रहा है, कहते हैं कि चाइना ने कोविड का मटेरियल सबमिट करने के 3 दिन बाद फाइजर का ट्रायल चालू हुआ, मॉडर्ना का वैक्सीन ट्रायल तो कोविड आने के पहले 2 साल चालू हुआ था, ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं और ये बड़ा षड्यंत्र है। अगर आपने ये षड्यंत्र वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो ये वीडियो यही रोक दो, आगे देखना ज़रूरी नहीं है, कुछ दूसरा अच्छा देखो, शोले देखो। ये वीडियो में कहते हैं कि चाइना ने जनवरी 2020 में वर्ल्ड को कोविड का DNA सबमिट किया। अब मेरा एक नन्ना सवाल है, चाइना कुछ भी बना सकता है, भले वो चीज़ टिके ना टिके, लेकिन बना तो वो कुछ भी सकते हैं। लेकिन फिर भी SARS-CoV-2 ये RNA वायरस है, RNA तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड वायरस का DNA चाइना ने कैसा बना दिया, कैसा रिपोर्ट किया, कुछ भी क्या बोलते हो यार। दूसरा कहते हैं ये षड्यंत्र है, चाइना ने और वैक्सीन कंपनीज ने तय किया था, चाइना ने कहा हम लोग वायरस बनाते हैं, तुम लोग वैक्सीन बनाओ, बेचो, पूरा मजा आएगा, मानो ये षड्यंत्र था, मानो ये ऐसा सब था। लेकिन मेरा और एक नन्ना सवाल है कि एक तीन लोगों को समझो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है छोटा सा, अच्छे लोग हैं, भोले से लोग हैं, उनको बेचारों को तीन लोग मिल के पैंडेमिक का स्पेलिंग भी नहीं आता, लेकिन उनको ये षड्यंत्र के बारे में सब पता है, US प्रेसिडेंट को पता नहीं, भारत के पंत प्रधान को कानों कान खबर नहीं हुई, लेकिन ये छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप है उनको सब ये षड्यंत्र बारे के सब डिटेल्स पता है, ये कैसा मुमकिन है। बाद में कहते हैं कि 2 साल पहले कोविड आने के ये वैक्सीन का काम कैसे चालू हो सकता है, अरे वो प्लेटफॉर्म होता है भाई, एडिनो वायरस एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर कोविशील्ड बनाई, एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म हम लोग तो दशकों से जानते हैं, mRNA एक प्लेटफॉर्म है, हम लोग उसको उसके ऊपर 20 साल से काम कर रहे थे, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा था, इसकी वजह से 1 साल में वैक्सीन ले पाए, क्योंकि 20 साल का तजुर्बा था इस प्लेटफॉर्म पे काम करने पे, मानो शारजा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम एक प्लेटफॉर्म है, उसमें कैंडिडेट बदलते रहेंगे। अगर मैच चल रहा है और ये व्हाट्सएप ग्रुप वाले पूछने लगेंगे कि भारत का स्कोर क्या हुआ, अबे मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में है, भारत का स्कोर कैसे बना हो बताओ, आपको ये स्टेडियम एक प्लेटफॉर्म है, उसमें कैंडिडेट बदलते रहते हैं। और वो कहते हैं कि फाइजर और मॉडर्ना साथ में मिले हुए थे, कुछ पता है कि आपको कुछ व्यावहारिक ज्ञान, कुछ सर्वसाधारण बुद्धि है क्या, ये कंपनीज एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं, वो एक दूसरे का गला काटने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट में, ये दोनों साथ में आए कहना ये कहने के समान है कि इसराइल और सीरिया साथ में आए और कुछ षड्यंत्र बनाया, या ठाकुर बलदेव सिंह ने गब्बर के साथ हाथ मिलाया और बीरू को पकड़ा दिया। अरे ठाकुर बलदेव सिंह हाथ कैसे मिलाया, उसका गब्बर ने तो हाथ कब का काट दिया था ना। ये कंपनी वाले हैं ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये अच्छे लोग नहीं है, होशियार है लेकिन अच्छे लोग नहीं है, मुझे उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, ना उनसे कुछ पैसा मिलता है, ना मुझे वो लोग अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन बहुत मुनाफेखोर लोग हैं, लेकिन उन्होंने वैक्सीन अच्छी बनाई है। अगर वैक्सीन नहीं आती ना, तो भी आज हम इसी मुकाम पे होते, सब अब तक खुल चुका होता, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता, क्यों पता है, क्योंकि ज़्यादा लोग बचते नहीं थे ये देखने को, काफ़ी सारे लोग मर जाते थे, यही सच है। अगर सच पॉपुलर है तो ये पॉपुलर है, अगर सच पॉपुलर नहीं है फिर भी हम सच ही बोलेंगे। वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट वगैरह सब लोग देख रहे हैं, आराम से देखेंगे, लेकिन नैसर्गिक डिसीज़ के रास्ते से हर्ड इम्यूनिटी तक जाना बहुत ही बड़ा संकट था, हमने देखा दूसरी लहर में क्या हुआ था, इसलिए अब ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं अभी इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी वो ऐसा कॉन्स्पिरेसी कहेंगे, बाद में कहेंगे हार्ट अटैक आते हैं, ये आता है, और जैसा HRCTs किया था ना सेकेंड वेव में, वैसा पूरे भारत का स्ट्रेस टेस्ट कर देंगे और बैंड बजा देंगे, ऐसा मत करो डॉक्टर अभिगोट से।